दोस्तों लेट 50s के दौरान अमेरिका और रशिया के बीच भयंकर शीतयुद्ध छिड़ा हुआ था। ऐसे में जहां अमेरिका ऐसे बॉम्बर्स को डेवलप करने में लगा था जो सुपरसोनिक रफ्तार में उड़ने के साथ साथ कुछ ही समय के अंदर सोवियत यूनियन में पहुंचकर बॉम्बिंग मिशंस को अंजाम दे सकते थे, जैसे SR-71 ब्लैकबर्ड। इसके जवाब में रूस अपने इंटरसेप्टर MiG-25 फॉक्सबैट को डेवलप कर लेता है, लेकिन यह इतना कैपेबल नहीं था कि SR-71 जैसे काली चिड़िया को मार गिरा सके। ऐसे में रशियन या सोवियत इंजीनियर्स ऐसे एयरक्राफ्ट के तलाश में थे जो सुपरसोनिक बॉम्बर की रेस को पूरी तरह से खत्म कर सके। इसी दौरान एरोस्पेस इंजीनियर अलेक्जेंडर मस्किल्यूब के द्वारा DSBL के हाइपरसोनिक बॉम्बर को रशिया के सामने पेश कर दिया जाता है, जो किसी मिसाइल से भी तेज Mach-5 के स्पीड में उड़ने के साथ साथ इसकी बॉम्बिंग कैपेबिलिटीज लाजवाब थी और DSBL के आज तक का बनाया गया हुआ सबसे तेज एयरक्राफ्ट निकला। लेकिन यह कभी भी हकीकत ना बन सका, क्योंकि उस समय दुनिया भर में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स आ चुके थे।